अगर आप भी कुछ ऐसे विंग्स वाली 3D फोटो बनाना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक की प्रोफाइल के लिए, गाइज यहाँ पे अगर आप बनाना चाहते हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, जिसके लिए भी आपको यहाँ पे डीपी बनानी है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गाइज आप जो है 3D विंग्स वाली जो पिक्चर है वो क्रिएट कर सकते हैं, AI पिक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कमाल की जो है पिक यहाँ पे देखने को मिल रही है, ऐसे ही पिक आप भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से, बस आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो यहाँ पे गाइज मैंने किस एप्लीकेशन को यूज करके ये सारी पिक्स बनाई हैं, और वो एप्लीकेशन एकदम फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, और ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पे जो है मिल जाएगा गाइज। तो चलिए गाइज मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप ऐसे ही शानदार पिक्स जो है 3D पिक्स को बना सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली गाइज आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे बिंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एप्लीकेशन जो है, बिंग ब्राउजर जो है, वो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, इससे पहले बिंग पॉइंट्स कैसे आप ले सकते हैं वो सब भी मैंने बनाया था। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे ऐसे जो है पिक्स को क्रिएट किया है, मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो जैसे बिंग एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बीच के साइड में को पायलट वाला ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे गाइस को पायलट वाला ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पे ये ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पे यूज चैट GPT-4 यहाँ पे देख सकते हैं यूज GPT-4 लिखा हुआ है, इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में यहाँ पे आपको जो है आस्क मी एनीथिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। जहाँ दोस्तों आस्क मी एनीथिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है, अब यहाँ पे आपको जो है एक प्रॉम्प्ट जो है लिखना पड़ेगा। अब ये प्रॉम्प्ट जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम ID पे मिल जाएगा, नहीं तो गाइज आप वीडियो को जो है थोड़ा थोड़ा सा रोक करके भी देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं कि मैंने क्या यहाँ पे लिखा है। अब इसको मैं सिंपली कॉपी करके रखा हूँ, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट अ 3D इल्यूजन फॉर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर वेयर अ बॉय इन अ वाइड शर्ट, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, सिट्स कैजुअली ऑन अ विंग बैक चेयर। आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे कुछ चीजें आप एडिट कर लीजिए अपने हिसाब से। जैसे यहाँ पे बॉय की एज क्या होनी चाहिए वो आप डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 25 ईयर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो 25 ईयर बॉय अगर है गाइस तो यहाँ पे आप 25 डाल सकते हैं, या अगर आपको और एज चाहिए या और जो है यंग चाहिए तो वो आप अपने हिसाब से 18 ईयर्स भी कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। इसके बाद में वाइट शर्ट की जगह आप चाहें ब्लैक शर्ट कर सकते हैं, या कोई और ड्रेस अगर आपको चाहिए उस ड्रेस में भी आप जो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक शर्ट लिख दिया अभी, और फिलहाल के लिए यहाँ पे ब्लैक क्रिकेट कैप भी लिखा होगा, अगर आपको कैप नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए या विदाउट कैप चाहिए, वो आप कैप वाला हटा सकते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बाकी गाइस यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है बैकग्राउंड फीचर्स, यहाँ पे मेरा नाम जो है कॉमा में लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम में अपना नाम आपको लिख लेना है, जो भी आपका नाम हो। जैसे आपका नाम राहुल है तो आप यहाँ पे राहुल डाल सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना नाम इस कॉमा के अंदर जो है डाल सकते हैं। उसके बाद में गाइज यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस और नहीं करनी है। अगर आप गाइज यहाँ पे चाहते हैं कि आप अपना फेस भी यहाँ पे अटैच कर पाएं, ताकि आपके फेस से मिलता जुलता थोड़ा सा ये जो है क्रिएट करके दे, तो इसके लिए आप कैमरा वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कैमरा वाला ऑप्शन जो है बना हुआ है, आप सिंपली कैमरा पे जा करके गाइज आपका कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। और इसके बाद में गाइज आप चाहें तो यहाँ पे सेल्फी भी ले सकते हैं, ऊपर से कैमरा को आप फ्लिप कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाइज यहाँ पे आप चाहें तो गैलरी से भी पिक्चर अपनी जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में सिंपली जैसे ही पिक्चर को यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, उसके बाद में सिंपली क्लिक कर देना है इस पर। अब आपकी जो पिक्चर है गाइज 3D वाली, वो यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइज आप लोग देख ही सकते हैं कितनी कमाल की इसने पिक्स जो है 3D पिक्स को क्रिएट किया है। अब जो भी पिक आपको अपनी गैलरी में सेव करना है, उसके लिए सिंपली आपको उस पिक पे क्लिक करना पड़ेगा, जैसे ये वाली पिक है, और ये जो पिक है आपका एक जूम होके जो है ओपन होके आ जाएगा बड़े साइज में। और आपको सिंपली क्या करना है गाइज, जैसे ही ओपन हो तो आपको यहाँ पे ट्रिपल डॉट जो है देखने को मिल जाएगा, आपको ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में डाउनलोड का ऑप्शन यहीं से आपको मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, और आपकी पिक जो है आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ये तो खैर गाइज यहाँ पे मैंने जो है बॉय के लिए बताया। अगर एक गर्ल को अपनी DP बनानी है, गर्ल के लिए अपने जो है सोशल मीडिया के लिए DP बनानी है, तो उसको क्या चेंजेस करनी है, तो यही प्रॉम्प्ट आपको लिखना है, और बॉय की जगह यहाँ पे अ गर्ल आपको लिख देना है। अब गर्ल की अगर आप चाहें एज भी डाल सकते हैं, 25 ईयर्स, 24 ईयर्स, 18 ईयर्स, तो यहां पे गाइस जो है आपको जो डालना है, जैसे यहां पे अगर आपको 25 ईयर्स चाहिए, ठीक है, तो 25 ईयर्स आपको यहां पे लिख देना है। उसके बाद में गाइस यहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस शर्ट की जगह आप कोई और भी जो है ड्रेस डाल सकते हैं, या अगर आप चाहें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली ड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाइट ड्रेस या रेड ड्रेस या जैसा भी चाहें वो आप ड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, और बाकी चीज़ें यहीं पे लिखनी है। और कैप की जगह अगर आप चाहें यहाँ पे क्राउन लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे गाइस जो भी प्रॉम्प्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। अब यहाँ पे नाम भी डाल सकते हैं, गर्ल का नाम क्या होना चाहिए, तो आप जो यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे गाइस मैंने इससे पहले जो एक रिया वाला जो नाम से क्रिएट किया था, अभी यहाँ पे मैंने
प्रिया जो है लिखा है, ठीक है। तो इस नाम से या जो भी नाम से आप चाहें अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ब्लैक वाला आपको चाहिए, कैसी वाल चाहिए, जो पीछे का बैकग्राउंड हो कैसा चाहिए, ब्लैक चाहिए या वाइट चाहिए, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। आना ब्लैक वाल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आपको कोई और कलर की वाल चाहिए तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कमांड दे सकते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे शी यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इफ शी एंजल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ही की जगह आप शी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका सारा जो है लिख चुका है प्रॉम्प्ट, आपको सिंपली जो है यहाँ पे सेंड कर देना है। थोड़ा देर आपको वेट करना है, यहाँ पे पिक आपकी क्रिएट होके आ जाएगी। यहाँ पे गाइस आप लोग देख ही सकते हैं कितनी कमाल की इसने पिक जो है क्रिएट की है। अब जो भी पिक आपको सेव करनी है उस पिक पे क्लिक करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कैसे आपको पिक को सेव करना है, तो वैसे करके आप जो है पिक को सेव कर सकते हैं अपनी गैलरी में। यहाँ पे गाइस एक चीज आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए प्रोफाइल पिक बनाया है। अगर आप चाहें अपने जो है अलग फेसबुक के लिए या व्हाट्सएप के लिए अलग अलग फॉर्मेट में जो है पिक को बना सकते हैं, वहाँ पे बस आपको लिख देना है आपको किसके लिए जो है प्रोफाइल पिक चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।